कैसा आप सब फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई आपके लिए एक और नई रेसिपी। आज मैं आपको गवार की फली और आलू बनाकर दिखाऊंगी। बहुत इजी रेसिपी शेयर करूंगी मैं आपके साथ और बहुत टेस्टी। देखिए, मैंने आलू बारीक छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं और मैंने गवार फली धोकर अच्छे से काट ली है। चलिए चलते हैं, सिंपल रेसिपी है और जल्दी बनने वाली है, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 2 चम्मच तेल ले लिया है। अब हम प्याज डाल देंगे इसके अंदर, बारीक चॉप मैंने प्याज काट ली है और इसको हल्की सी लाइट गोल्डन करेंगे। फ्रेंड्स, थोड़ी सी हमने सेम की फली इसके अंदर डालकर 2 चम्मच, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है सबसे पहले। इसको अच्छे से भूनेंगे। फ्रेंड्स, ये ट्रिक है, सबसे पहले आप थोड़ी सी सेम की फली इसके अंदर डालकर तेल के अंदर उसे थोड़ी ब्राउन कर लेना, फिर उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालना। ज़्यादा हमें गवार की फली नहीं डालनी, सिर्फ थोड़ी सी डालनी है और इसको भून लेना है। इसका पेस्ट हो चुका है, भून गया अच्छे से। अब हम अपनी गवार की फली डाल देंगे और आलू डाल देंगे और अच्छे से भूनेंगे। देखिए, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 चम्मच से कम हल्दी डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा ये चाट मसाला लिया है और कसूरी मेथी है, थोड़ी सी डाल दी है। इसको अच्छे से भूनेंगे, चलिए इनको अच्छे से भून लेंगे 5 मिनट, फिर उसके बाद इसको ढककर पकाएंगे। एक बार देख लेते हैं कि फली हमारी आलू और गवार की फली गली है या नहीं। ये देखिए, सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार है। ये देखिए कितनी अच्छी और कितनी टेस्टी बनकर तैयार हुई है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए, आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी ज़रूर बताइएगा कैसी लगी और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना।